हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए, लव यू ऑल व्यूअर्स। आज आपका सवाल कि क्या आईपी लेने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो बिल्कुल इसमें चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के। अगर कुछ चीज़ों को आप समझ लें तो आईपी लेने के बाद ये कंडीशंस आपके सामने नहीं आएंगी। बट फर्स्टली आप ये बात खूब समझ लीजिए कि आईपी एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी पिल है जो सिर्फ इमरजेंसी में लिया जाता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं। इसमें सबसे पहले आपको यह समझना है कि आखिर ये गोली काम क्या करती है। इस गोली का काम होता है कि ये आपके ओवल्यूशन के समय को डिले कर देती है। तो जब ओवल्यूशन का समय डिले हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो अंडा रिलीज होने वाला होता है गर्भाशय की तरफ, वो देर से आएगा। और मान लीजिए कॉन्टेक्ट आपका हो चुका है तो उसमें जो स्पर्म की एक लाइफ होती है शरीर के अंदर, तो वो उतने दिन तक उसके अंदर रहेगा, लेकिन अंडा जब आएगा ही नहीं जल्दी तो फिर स्पर्म वहां खत्म हो जाएंगे और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन इसमें आपको यह समझना है कि अगर किसी व्यक्ति ने आईपी ले लिया है और 3 दिन गुजर चुके हैं और उसके बाद मान लीजिए 1 हफ्ते बाद फिर आप सोचते हैं कि हमें कॉन्टेक्ट करना है, और अब आप ये सोचते हैं कि अब तो सेफ डे है, ओवल्यूशन का समय भी निकल चुका है और अब हम आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने टैबलेट ली है, जो आईपिल ली है, उससे क्या होता है कि वो आपके ओवल्यूशन को डिले करता है। तो जिस समय को, यानी अगर मान लीजिए 1 हफ्ते बाद आप सोच रहे हैं अब हम कॉन्टेक्ट कर लें, तो हो सकता है वही समय परफेक्ट टाइम हो आपकी प्रेगनेंसी का, यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने का। तो इसलिए आपको उसमें प्रोटेक्शन का यूज करना है, नहीं तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये मैकेनिज्म आपको जरूर समझना चाहिए कि ये टैबलेट जो ओवल्यूशन का समय को आगे बढ़ा देती है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। लेकिन अगर आप आगे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको ध्यान रखना है। ओवल्यूशन क्या होता है या ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप हमारी इस आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि ओवल्यूशन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो आपका दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कुछ महिलाएं कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक दवाएं भी लेती हैं या कुछ एंटी एसिड दवाएं लेती हैं जिनकी दवाएं चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इन दवाओं के रेगुलर इस्तेमाल की वजह से भी कभी कभी आईपिल का जो काम होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आपके पार्टनर को कोई ऐसी दवाएं चल रही हैं तो ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। तीसरी बात एक और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट होने के बाद जल्दी से जल्दी जितना हो उतनी जल्दी इस टैबलेट को लेना चाहिए जिससे कि इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आपको मिल पाए। जितना ज़्यादा डिले करेंगे इस टैबलेट को लेने में तो उतना सक्सेस रेट इस टैबलेट का कम रहेगा। तो कुल मिलाकर इस गोली के बारे में जो एक्सपर्ट्स की भी राय होती है वो यही है कि 80-90% इसका सक्सेस रेट होता है और जो बाकी बचा परसेंटेज उसमें कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सक्सेस रेट काफ़ी हद तक बढ़ भी सकता है। और ये रेगुलर बेसिस पे ना ली जाए, हमेशा ध्यान रखिए, अगर रेगुलर बेसिस पे आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके पीरियड्स को इररेगुलर कर देगी। अगर आपको रेगुलर लेना है इसको तो फिर बहुत सारी दूसरी बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो सेफ होती हैं, ये फिर आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि कभी कभार जब जरूरत ऐसी पड़ती है तब लेने की जरूरत है। लेकिन जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको ध्यान रखिएगा। वो गलतियां बहुत लोगों से होती हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। हमने पहला रिलेशन बनाया तो उसमें टैबलेट दे दी और जब दूसरा रिलेशन बनाया उसी मंथ में 1 हफ्ते बाद तो उसमें कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया, तो ऐसे में प्रेगनेंसी हो गई, तो उसको ध्यान रखिएगा। अगेन थैंक्स अ लॉट हमारे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए और चैनल को इतनी ग्रोथ देने के लिए। लव यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।